कंटिन्यूइंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है. सेंट्रल ब्रेन में ऑन द लास्ट टर्न जितने लोग आए थे, आई हैव डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम. उसके बाद तो बचे हुए पार्ट्स हैं ब्रेन के. दैट मीन्स ब्रेन स्टेम को अगर हम हटा दें तो हमने क्या क्या निकाल दिया? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला. अब क्या बचा? सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन से ही डेवलप हो रहा था, तो सेरिबेलम का डेवलपमेंट भी डिस्कस कर लिया था. अब क्या बचा? डायनकेफेलॉन, दैट मीन्स थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, सब थैलेमस, ये सब डायनकेफेलॉन के पार्ट हैं. फिर और बचा सेरिब्रम. तो सेरिब्रम डेवलप्स फ्रॉम द प्रोजेनकेफेलॉन. आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द सेरिब्रम बेसिकली एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डायनकेफेलॉन, दैट इंक्लूड्स थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, सब थैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. यू नो इट इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द, इट डेवलप्स एज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. सो दैट इज ऑल्सो द डेवलप, इट्स डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड विथ दिस टॉपिक. अब डायनकेफेलॉन है क्या? तो डायनकेफेलॉन कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग देख लें कि और कहाँ डेवलप हो रहा है ये. इट इज डेवलपिंग ऑन द मीडियल साइड ऑफ द प्रोजेनकेफेलॉन. यहीं बैठ. हाँ, सो डायनकेफेलॉन इज द मीडियन पोर्शन ऑफ द प्रोजेनकेफेलॉन एंड इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस. And it has a cavity also. That cavity is third ventricle. Lateral ventricles are the cavity of the cerebrum or the prosencephalon. Then the diencephalon banta kis kis se hai? Ek roof plate hai aur ek LR plates hai. Ab ye jo slide hai, डायनकेफेलॉन में तुमने मुझे बताया कि इसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपीथैलेमस है. एपीथैलेमस इंक्लूड्स पीनियल ग्लैंड एंड हेबेन्यूलर न्यूक्लियस. पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल, हेबेन्यूलर न्यूक्लियस, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे इन द क्लास ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. एंड देन द सब थैलेमस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डायनकेफेलॉन. तो इन सभी का डेवलपमेंट एक साथ होएगा. किससे होगा? पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरल ट्यूब से. वो न्यूरल ट्यूब कौन सी लेयर से डिराइव्ड है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म. तो उन सब से मिलके, हाँ, अब मुझे एक चीज और बताओ कि थैलेमस जो है, दैट इज, what do you think, it is a motor entity या sensory in function? thalamus का function क्या है? क्या है thalamus का function? thalamus क्या है? grey matter है, white matter है? thalamus की class में बहुत कम लोग आए थे ना तुम लोग, पर ठीक है. thalamus तुम लोग क्या सोचते हो, grey matter है या white matter है? इट इज ग्रे मैटर. बहुत सारे न्यूक्लियाई का क्लस्टर है थैलेमस. लास्ट बेंच स्टैंड अप, यहां आके बैठ जाओ. सेकेंड लास्ट बेंच, थर्ड लास्ट बेंच. आई कैन सी यू ऑल फ्रॉम हेयर. इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. एक तो लेट आ रहे हैं, उसके बाद हम अपना काम पहले कर लें, पूरी क्लास को डिस्टर्ब भी कर लें साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम आराम से चलेंगे और पहले अटेंडेंस मार्क करके फिर बैठ जाएंगे. थैलेमस
बेसिकली थैलेमस क्या है कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर एंड मोस्ट ऑफ दी सेंसेशंस एक्सेप्ट दी ऑल्फैक्टरी सेंसेशन एंड दी सेंसेशंस विच आर पासिंग थ्रू दी कॉलिक्यूलाय. कॉलिक्यूलाय भी इसमें मिड ब्रेन में आ गए हैं, तो विजुअल और ऑडिटरी उनको छोड़ के जितने भी जनरल सेंसेशंस हैं दे विल बी पासिंग थ्रू वॉट, दे विल बी पासिंग थ्रू थैलेमस. वहां देखने की जरूरत नहीं है. अब मुझे जो भी उस तरफ देखता हुआ गेट की तरफ दिखेगा ना, मैं सीधे बाहर कर दूंगी. तो थैलेमस क्या है? ग्रे मैटर है और बेसिकली इट इज सेंसरी इन फंक्शन. तो हमने डिस्कस करा था कि जो न्यूरल ट्यूब है उसमें अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो इट डिवाइड्स इनटू थ्री जोन. देयर इज अ मीडियन जोन, देयर इज अ मीडियल जोन एंड अ लैटरल जोन. दैट मीन्स सेंटर जो पार्ट है न्यूरल ट्यूब का, वहां से कैविटी फॉर्म हो रही थी. देन देयर वॉज अ मेंटल लेयर एंड अ मार्जिनल लेयर. देन मेंटल लेयर ग्रे मैटर फॉर्म कर रहा था एंड इट वॉज डिवाइडिंग इंटू एलआर प्लेट एंड बेजल प्लेट. तो एलआर प्लेट से कौन सा पोर्शन डेवलप हो रहा है, सेंसरी या मोटर? सेंसरी. तो दैट इज वाई डायनकेफेलॉन जो बेसिकली क्या है, सेंसरी है, इट इज डिराइव फ्रॉम दी एलआर प्लेट एंड थर्ड वेंट्रिकल इज कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ, दैट इज डिराइव फ्रॉम अ रूफ प्लेट. अब इसको और डिटेल में तुम देख लो कि न्यूरल ट्यूब है. न्यूरल ट्यूब इज डिराइव फ्रॉम दी न्यूरो एक्टोडर्म एंड दीज आर दी डिफरेंट वेसाइकल्स विच आर फॉर्मिंग इन दी न्यूरल ट्यूब. एट दी हेड एंड देर आर फ्रॉम हेड एंड टू टेल एंड देर आर बेसिकली थ्री स्वेलिंग्स. कौन कौन से तीन स्वेलिंग है बेसिक? प्रोजेनकेफेलॉन, मीजेनकेफेलॉन एंड रोमेनकेफेलॉन. Now, prosenkephalon is forming what? It is forming forebrain and it is dividing into telenkephalon and dienkephalon. Now, telenkephalon is forming cerebrum. Ye yaad rakhna hai tumhe. And dienkephalon is forming thalamus, hypothalamus, pineal gland and the cavity of the third ventricle. Then, mesenkephalon is forming the midbrain. And rhombenkephalon is divided into metenkephalon and myelenkephalon. Metenkephalon se ban rahe hai pons and cerebellum. Myelenkephalon se ban raha hai medulla. So ab hume ye pata lag gaya ki neural tube pehle banegi, usi se banega ye dienkephalon. Is neural tube mein hoga kya? Again wahi differentiation jo chal raha hai. That means neural tube histologically तीन portions में divided है. Central portion को हम ependymal zone कहते हैं, middle portion को mental zone कहते हैं और lateral zone को हम marginal zone कहते हैं. तो यही mental layer divide होती है किसमें? LR plate में और basal plate में. Basal plate forms the motor neurons. Motor neurons are formed basal plate and LR plate forms the sensory part. So basically the thalamus or the dienkephalon portion is derived from LR plate. Ab ek cheez tumhe yahan aur yaad rakhni hai ki ye jo differentiation hai basal plate aur LR plate mein, that is up to the midbrain. Matlab brain stem tak we can clearly differentiate between basal plate and LR plate. थैलेमस में कोई बेजल प्लेट नहीं है. वहां पे क्या है? सिर्फ एक रूफ प्लेट है और एक एलआर प्लेट है. कहने का मतलब ये है वो कैसा है? सेंसरी है. थैलेमस कहाँ है इस पूरे पिक्चर में? ये क्या है? सेरिब्रम. दिस इज कॉर्पस कैलोजम या कमिश्रल फाइबर्स है. ये क्या है? दिस इज दी कैविटी ऑफ दी दीज आर दी लैटरल वेंट्रिकल्स और दी कैविटी ऑफ दी सेरिब्रम. Then this portion which is marked by red arrows, this is the dienkephalon region where this is the thalamus and this is the hypothalamus. Both are separated by an hypothalamic sulcus. Both are derived from dienkephalon and two things contribute to the development of the thalamus. They are the roof plate and LR plate.
इतना तुमको समझ लेना है, याद रख लेना है। अब वापस से एक बार इस वाले इसमें देखो, जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, दे आर इन विच प्लेन? दे आर इन एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन। सो कैन यू मेक आउट दी थर्ड वेंट्रिकल इन दिस सजाइटल सेक्शन? कहाँ है थर्ड वेंट्रिकल? फॉर्निक्स के नीचे है, यहां पे तो थैलेमस दिख रहा है, तो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है? कैसे मिल, मतलब तुम लोगों को समझ आ गया है या नहीं? अभी तक तुम लोग न्यूरोनाटमी पढ़ रहे हो कि जो लैटरल वेंट्रिकल्स है, शायद कल ही तुम लोगों का सेरिब्रम की क्लास है, तो लैटरल वेंट्रिकल्स आर इन एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन एंड इमेजिन थर्ड वेंट्रिकल, इट इज इन लाइक फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, दैट मीन्स थैलेमस इज फॉर्मिंग द लैटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक आई वुड से कि कुछ मिलीमीटर्स में एक छोटा सा स्पेस है बिटवीन द टू थैलेमाई, एंड थैलेमाई आर फॉर्मिंग द वॉल, द लैटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है? वो यही है, मीडियल टू द थैलेमाई। इतना लेट क्यों आ रहे हो? लगाओ अटेंडेंस और बैठ जाओ। दिस इज द एनलार्ज्ड, वही जो हमने सजाइटल सेक्शन देखा उसी का हमने कुछ पार्ट, अगर हमने एनलार्ज कर लिया तो ये कॉर्पस कैलोजम है, ये लैटरल वेंट्रिकल्स है, और यहां पे जहां थैलेमस दिख रहा है ब्लू कलर से दिखाया हुआ है थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल इज लाइंग मीडियल टू द थैलेमस। तो थैलेमस इज, थैलेमस एंड सम पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, दे आर फॉर्मिंग द लैटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। देन यू कैन मेक आउट थर्ड वेंट्रिकल का जो फ्लोर है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ, ये क्या है? कॉर्पस कैलोजम, ये लमाइना टर्मिनालिस, यहां ऑप्टिक क्यास्मा है, और यहीं पे देखो हाइपोथैलेमस के फ्लोर से ये स्टॉक जा रहा है, दिस इज द स्टॉक फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पे मैमिलरी बॉडीज हैं। तो सीएसएफ कैसे फ्लो हो रहा है? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल, कमिंग आउट थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरमेन इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, देन इट इज पासिंग टू दी सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एंड देन इट इज गोइंग टू दी फोर्थ वेंट्रिकल। सो दिस इज दी बेसिक पिक्चर हाउ द सी एस एफ इज फ्लोइंग फ्रॉम दीज। वॉट आई एम टेलिंग यू इज द डेवलपमेंट ऑफ डायनकेफेलॉन। डायनकेफेलॉन किससे बना है? थैलेमस हाइपोथैलेमस से। वो किससे डिराइव्ड है? न्यूरल ट्यूब से, और न्यूरल ट्यूब जो है उसका डायनकेफेलिक पार्ट इज फॉर्मिंग दी थर्ड वेंट्रिकल। Then hypothalamic sulcus develops which divides the LR plate into thalamus and hypothalamus. मतलब सिर्फ डायनकेफेलॉन के डेवलपमेंट में क्या हुआ, वो जो वसाइकल बना उसमें एक LR प्लेट थी, और LR प्लेट में एक hypothalamic sulcus डेवलप हुआ which has divided the thalamus and hypothalamus with the help of a sulcus, that is hypothalamic sulcus. So if a question comes on the development of the diencephalon, you have to write the roof plate and the LR plate. Ab mujhe batao ki LR plate se to thalamus hypothalamus ban gaye, wo jo roof plate thi usne kya banaya? Yahan pe roof plate will form the roof of the third ventricle, and there is a choroid plexus in the A roof of the third ventricle that is formed by the roof plate. हाँ, नहीं समझ आया choroid plexus? Choroid plexus क्या है, अभी तक तुम्हें क्या पता है? हाँ, it secretes CSF. So there are certain capillaries which will secrete CSF, and those capillaries are covered by a layer of pyometer. और इस कंबाइंड कैपिलरी और पायामेटर की लेयर को हम टीला कोरोइडिया बोलते हैं। ये सब कहां प्रेजेंट है? हर वेंट्रिकल के कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सीएसएफ कहां सीक्रीट होना है? इट विल बी सीक्रीटेड इनटू द कैविटीज ऑफ द वेंट्रिकल। तो
So choroid plexus in relation to the third ventricle is present in its roof, and that roof, above the roof, what is lying is the choroid plexus of the third ventricle, and that is formed by the roof plate. ठीक है? When so neuroanatomy पूरा linked है, तो जब तुम लोग ये पढ़ोगे CSF, then this thing will be clear to you. So roof plate consists of a single layer of ependymal cells covered with vascular stroma, which will form the choroid plexus of the third ventricle, and caudal part of the roof plate will develop into pineal body, and LR plate will form the lateral walls of the diencephalon, and lateral walls of the diencephalon are formed by thalamus and hypothalamus. So roof plate और LR plate ने इन सभी को बना दिया. Now can you make out, अगर हम यहां पे हम कहें कि third ventricle है, तो third ventricle की lateral wall किसने बनाई है? Thalamus और hypothalamus ने. और ये बने किससे हैं? LR प्लेट से. अब थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में क्या है? उसका कोरोइड प्लेक्सस है. कोरोइड प्लेक्सस है और जो कैविटी है दैट इज लाइन बाय एपेंडाइमल सेल, क्योंकि वेंट्रिकल्स हैं, सो दैट इज फॉर्म्ड बाय द रूफ प्लेट. सो दिस वे दिस, एंड वेयर इज द पीनियल बॉडी? हेयर यू कैन मेक आउट दिस इज द रूफ प्लेट, इट इज गोइंग बिहाइंड. और ये जो एक अलग से ये एलिवेशन या सेपरेशन ये यहां पे दिख रहा है, दिस इज द पीनियल ग्लैंड और द पीनियल बॉडी. व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? तुमको पता होगा फंक्शनली ये क्या करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायर्नल वेरिएशंस जो भी बॉडी में होते हैं. तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इट इज डिवेलपिंग इन रिलेशन टू द डायनकेफेलॉन एंड बाय द रूफ प्लेट. नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट हमने देखा है, वो कहां है? दैट इज इन द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, और यहां से ये स्टॉक अराइज हो रहा है. अब मुझे एक बात बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनली कितने पार्ट्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं? हाँ, सबको चांस देना. तुम रुको, हाँ इसको बोल, हाँ बोलो. हाँ, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर बोले तो बीच में एक इंटरमीडिएट लोब भी है. देन देयर इज अ स्टॉक ऑल्सो, इनफंडिबुलम, दैट इज इनफंडिबुलम. सो फंक्शनली अगर एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस डिफरेंट है, तो इन दोनों का डेवलपमेंट भी डिफरेंट है. न्यूरो हाइपोफाइसिस डेवलप फ्रॉम द न्यूरो, सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप फ्रॉम टू कंप्लीटली डिफरेंट सोर्सेस. इफ देयर कम्स द डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस. एक सोर्स है डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द डायनकेफेलॉन इनफंडिबुलम, एंड सेकेंड सोर्स इज द एक्टोडर्मल आउट पॉकेटिंग फ्रॉम प्रिमिटिव माउथ या स्टोमोडियम. एक पार्ट नीचे से ऊपर डेवलप हो रहा है, दैट मींस ओरल कैविटी या स्टोमोडियम की एक्टोडर्म ऊपर जाके पिट्यूटरी बना रही है. दूसरा पार्ट डेवलप हो रहा है इनफंडिबुलम ऑफ दिस डायनकेफेलॉन, वो कौन सा लेयर है? न्यूरो एक्टोडर्म. तो एक पार्ट इज डिराइव फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म, एंड सेकेंड पार्ट इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द ओरल कैविटी. हाउ दे आर फॉर्म्ड, यू कैन सी इन द पिक्चर. ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये अपनी पूरी न्यूरल ट्यूब है. इसमें यहां ये जो पोर्शन है, दिस इज द डायनकेफेलॉन, यहां से एक स्टॉक अराइज होगा. You can see in this picture, this stalk is going downwards and it is going till where? It is going till ये bone कौन सा है? Sphenoid. और ये region क्या है? Cella turcica. तो infundibulum diencephalon से नीचे आएगा, cella turcica तक आएगा, then it will be forming the neurohypophysis. And this orange colored portion is the anterior lobe or intermediate lobe. It will develop from the ectoderm of the oral cavity. यहां ये वाले picture से देखो, infundibulum hypothalamus से नीचे आ रहा है,
एंड देन देयर डेवलप्स अ रथ केस पाउच. ये जो आउट पाउचिंग हुआ ओरल कैविटी से, इसको हम बोलते हैं रथ केस पाउच. यू कैन सी इट इज गोइंग अपवर्ड, देन इट्स कनेक्शन विल बी डिसरप्टेड फ्रॉम दी ओरल कैविटी. यहां से ऊपर जाके रथ केस पाउच बन तो रहा है, देन इट्स कनेक्शन विल बी डिसरप्टेड. Then you can see most of the pituitary gland, that means pars distalis, pars tuberalis, pars intermedia, jitna bhi orange colored portion hai, that is formed by this Rathkes pouch, and only the pars nervosa is formed, and the infundibulum and these median eminences, they are formed by the neuroectoderm or the infundibulum. So मतलब दो सोर्सेस से बना है पिट्यूटरी. एक सोर्स है न्यूरोएक्टोडर्म जो इन्फंडिबुलम है, दूसरा सोर्स है एक्टोडर्म ऑफ द ओरल कैविटी विच इज फॉर्मिंग द एंटीरियर लोब एंड द इंटरमीडिएट लोब. इसके कॉम्पोनेंट्स है पास ट्यूब्रालिस, डिस्टालिस एंड इंटरमीडिया. एंड यू नो देर इज अ क्लेफ्ट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट क्लेफ्ट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस दी रथकेस पाउच. And neurohypophysis is formed by the pars infundibulum. Now again just look at this picture. This is the oral ectoderm. ये pink color का जो है वो oral ectoderm है. ये ऊपर जा रहा है. It is forming the Rathkes pouch. Then after some time this Rathkes pouch it loses connection with the oral cavity. This is the infundibular process coming from the hypothalamus, which is forming the neurohypophysis for the pituitary gland. This is the cleft of the pituitary gland. Then this is the cleft. The pars distalis, tuberalis and the intermedia, they are formed by this Rathkes pouch. And infundibulum, median eminence and pars nervosa is formed by this infundibulum coming from neuroectoderm. So there are two different portions we can say of pituitary. They are having different functions. ये neurohypophysis से कौन से hormones secrete होते हैं? Oxytocin and the ADH hormone. They are coming directly from the hypothalamus और वो बस travel कर रहे हैं. और बाकी के जो 6 hormones हैं, growth hormone है और भी हैं, तो they are secreted from the adeno hypophysis, so that is derived from the ectoderm of oral cavity. And the tumors of the Rathkes, इसका जो applied part है, the tumors of the pituitary which are of adeno hypophysis, they are pituitary adenomas. और Rathkes pouch में अगर कुछ tumor बनता है, so they will give rise to adenomas. So they will be affecting only the anterior lobe and the intermediate lobe. So that was about the development of the pituitary gland. Now a different entity, that is telencephalon. Diencephalon हमने देख लिया, pituitary gland देख लिया, अब telencephalon क्या बनेगा? Telencephalon से cerebrum. कैसे identify करते हो cerebrum को gross anatomy में? By the presence of what? गाराए एंड सल्काए. गाराए और सल्काए जितने पोर्शन में है वो पूरा क्या है? सेरिब्रम है. इस सेरिब्रम की कैविटी को हम क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल. सो हाउ मेनी लेटरल वेंट्रिकल्स आर देयर? टू लैटरल वेंट्रिकल्स इन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर. मतलब हमें एक कैविटी बनानी है, गाराए सल्काए वाला सेरिब्रम बनाना है, और वो बना किससे है? वही न्यूरल ट्यूब के टर्मिनल पोर्शन से. उसका टर्मिनल पोर्शन क्या है? टेलेंकेफेलॉन. तो एक चीज मुझे बताओ, क्या पूरा एज इट इज अगर बनता, कितने लोब्स होते हैं सेरिब्रम में? हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन सेरिब्रम? 4 लोब्स, 5 लोब्स. कौन कौन से हैं? फ्रंटल, पराइटल, ऑक्सीपिटल, नीचे क्या है? टेम्पोरल. So that मैंने बोला नीचे है temporal, so that means this cerebrum will go back and then it will come down. पहले बनेगा, पीछे की तरफ जाएगा and then it will come down in the temporal. तुम मुझे बता सकते हो ये गाराए सल्काए बने ही क्यों है? मतलब ऐसा क्या हुआ? कोई बता सकता है?
हाँ, तू कुछ, हाँ तेरे को ही बोल रही हूँ, कुछ बोल रही है। हाँ, लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिवाइड करने के लिए गायरा सल्काय बन गए, जरूरी है ऐसा? और कोई रीजन? साइज, अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो साइज ऑफ व्हाट एंड व्हाट इज डिफरेंट? ब्रेन इज इनसाइड व्हाट? इट इज इनसाइड दी स्कल, दैट मींस वो लिमिटेड क्रेनियल कैपेसिटी है। तो आवर क्रेनियल कैपेसिटी इज अराउंड 1200 cc एंड ब्रेन हैज एन सरफेस एरिया ऑफ अराउंड 1500 1600। तो इतने बड़े ब्रेन को इतनी कम जगह में रखना था, तो वो क्या होगा? डिप्रेशंस बन जाएंगे। तो डिप्रेशंस आर सल्काय एंड एलिवेशंस आर गायरा। अब ये सब डेवलपमेंट हुआ कैसे है? तुम्हें जो टर्म्स याद रखने हैं वो क्या है? टीलन केफेलॉन। सो व्हाट इज टीलन केफेलॉन? इट इज द मोस्ट रोस्ट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन वेसिकल, और उसमें से दो आउट पॉकेटिंग निकलेंगी, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनाने हैं, तो दो, देयर विल बी टू और लेटरल आउट पॉकेटिंग, एंड द मीडियन पोर्शन इज नोन एज लमाइना टर्मिनालिस। एक चीज और याद रखना, एंटीरियर न्यूरोपोर यानी बिल्कुल जो रोस्ट्रल एंड है उसका भी रेमनेंट क्या है? लमाइना टर्मिनालिस, और वहां से दो आउट पॉकेटिंग्स निकले हैं विच विल फॉर्म द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। नाउ कैविटीज ऑफ द टीलन केफेलॉन आर लेटरल वेंट्रिकल एंड दे विल बी कम्युनिकेटिंग थ्रू द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, एंड लमाइना टर्मिनालिस रिप्रेजेंट दी अपर एंड ऑफ दी न्यूरल ट्यूब। ये बहुत बार प्री पीजी में पूछा जाता था मेरे टाइम में, अब पता नहीं तुम्हारे टाइम में क्या, कि लमाइना टर्मिनालिस क्या है? सो इट इज द रेमनेंट ऑफ दी अपर एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड इट करिस्पॉन्ड्स टू दी साइट ऑफ क्लोजर ऑफ, जहां ऊपर बंद हो रहा है एंटीरियर न्यूरोपोर, कौन से डे पे बंद होता है? 25th डे पे। पोस्टीरियर ट्यूब है ना, तो अपर एंड पे भी ओपन है, लोअर एंड पे भी ओपन है, तो अपर एंड क्लोजेज एट 25th डे एंड लोअर एंड क्लोजेज एट 28th डे। तो 25th डे जहां पे क्लोजर हो रहा है एंटीरियर न्यूरोपोर का, उसकी जगह अब क्या रह जाएगा? लमाइना टर्मिनालिस। अगर ये क्लोजर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ट्यूब ऊपर से ओपन रह गई तो क्या होगा? एनन केफाली। तो वो भी हम देखेंगे, एनन केफाली। अब देख लो एक बार वही पुराना रिवीजन, ये क्या है? एक्टोडर्म है, उसका कुछ पोर्शन क्या बना? न्यूरो एक्टोडर्म। कितना, कौन सा पोर्शन न्यूरो एक्टोडर्म बनता है? इसके लिए ऑर्गेनाइजर कौन है? नोटोकॉर्ड। जितना पोर्शन यहां नीचे नोटोकॉर्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा वो न्यूरो एक्टोडर्म बना। उसी से पहले ये न्यूरल ग्रूव्स बने, न्यूरल फोल्ड बने, और फिर न्यूरल ट्यूब बन गई। इस न्यूरल ट्यूब में अब देखो टीलन के फैलॉन बनने के लिए ये दो वसाइकल्स बन रहे हैं, एक से राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनेगा और दूसरे से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनेगा। अब इसी वाले पिक्चर में नीचे की तरफ देखो डायन केफेलॉन बन रहा है, मतलब डायन केफेलॉन कहाँ है? इट इज लाइंग मीडियल टू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड कॉडल टू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सो यू कैन मेक आउट फ्रॉम द पिक्चर की दीज आर द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड देन दिस इज द डायन केफेलॉन विच इज लाइंग मीडियल टू एंड कॉडल टू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। नाउ दिस, तो अब ये जो मैटर है वो ये दोनों क्या है? ये कैविटीज क्या है दोनों? लेटरल वेंट्रिकल। ये तीसरी कैविटी क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। सो नाउ यू कैन मेक आउट कि लेटरल वेंट्रिकल्स आर बोथ दीज, दे आर लाइंग ऑन बोथ साइड एंड थर्ड वेंट्रिकल इज इन दी मिड लाइन एंड मिड लाइन फ्रॉम रोस्ट्रल टू कॉडल साइड। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। इसकी वॉल कौन बना रहा है थर्ड वेंट्रिकल की? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहां है थैलेमस, मतलब ये टीलन के फेलॉन है और ये डायन के फेलॉन है। अब देखो भाई कोरोइड प्लेक्सस भी डेवलप हो रहा है। ये जो ब्रांचिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, दीज आर दी टू लैटरल वेंट्रिकल्स, दीज आर दी बेजल गैंग्लिया, दिस इज दी थर्ड वेंट्रिकल। व्हाट आर बेजल गैंग्लिया? तुम लोग पता है इसको जब कोरिलेट करोगे ना बेजल गैंग्लिया की क्लास से, इसको कोरिलेट करोगे जब तुम वेंट्रिकल्स पढ़ोगे, देन यू विल बी एबल टू मेक आउट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि टीलन केफेलॉन से बनता है, दो आउट पाउचिंग्स हैं और इनकी कैविटीज लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? दीज आर दी कोरोइड प्लेक्सस ऑफ दी
लेटरल वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल के लिए एक कोरोइड प्लेक्सस होना चाहिए, क्योंकि सीएसएफ उसमें कहां से आएगा, ब्लड में से ही कुछ पोर्शन जो है दैट इज फिल्टर्ड एज सीएसएफ, एंड बाय व्हाट, वेयर इट इज फिल्टर्ड एट द लेवल ऑफ कोरोइड प्लेक्सस, इट इज फॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ कोरोइड प्लेक्सस. तो कोरोइड प्लेक्सस क्या है? कोरोइड प्लेक्सस आर नथिंग, दे आर सर्टेन कैपिलरीज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ पाया मैटर, एंड दे आर फिनेस्ट्रेटेड काइंड ऑफ कैपिलरीज जिनसे कि सीएसएफ बन जाएगा. तो इसका कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल का कहां पे है, और यहां पे देखो थर्ड वेंट्रिकल का कहां पे है, इसको थ्री डायमेंशनली कोरिलेट करके बता सकते हो कहां कहां पे इनकी कौन सी वॉल में मिलेगा. जैसे थर्ड लेटरल वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सस कहां मिलेगा, इसको देख के बताओ कहां मिलेगा, मीडियल वॉल पे, और उसकी रूफ पे है कि फ्लोर पे, फ्लोर पे है. और थर्ड वेंट्रिकल का कहां है, रूफ पे है, ये याद रखना है. वो जब तुम पढ़ोगे लेटरल वेंट्रिकल तब भी तुम्हें याद आएगा समझ, कि मीडियल वॉल पे और फ्लोर पे है लेटरल वेंट्रिकल्स के लिए और रूफ पे है थर्ड वेंट्रिकल के लिए. तो ऐसे ये टेलेनकेफेलिक वेसिकल्स दे विल बी फॉर्मिंग दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अगेन अ डिफरेंट पिक्चर विच इज शोइंग कि पहले टेलेनकेफेलॉन और डायनकेफेलॉन देखो कैसा था. डायनकेफेलॉन बड़ा था, टेलेनकेफेलॉन छोटा था. उसके बाद टेलेनकेफेलॉन के दो डायवर्टिकुलम बने, इन्होंने सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दिए. बीच में जहां पे ये कनेक्टेड है वहां पे डायनकेफेलॉन बन गया. हालांकि डायनकेफेलॉन एज सच सेपरेटेड, ओनली थैलेमस आर कनेक्टेड एट अ सर्टेन, उनको कनेक्टर्स होता है दैट इज नोन एज ट्रायमिडलरी थैलेमाई, उतना ही कनेक्शन बनता है. अदरवाइज दीज इवन डायनकेफेलॉन एंड टेलेनकेफेलॉन बोथ आर सेपरेटेड. देन अगेन यू कैन सी, अब ये है, दीज आर दी हाउ द हाउ देर इज चेंज इन द शेप ऑफ द कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल्स. सो फर्स्ट द कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल्स यू कैन सी दे आर लाइंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर. पहले कैसी है कैविटी, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे रखे हुए ब्रेन में एंटीरियर से पोस्टीरियर, तो कैविटी इज ऑल्सो फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर. लेकिन पीछे अब बोन जो है वो उसको ग्रो करने नहीं दे रही है, अब ग्रो करने नहीं दे रही तो क्या होगा, पीछे से ऑक्सीपिटल लोब के बाद जब टेम्पोरल लोब बन रहा है तो इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड एंटीरियरली. सो नाउ द शेप ऑफ द कैविटी विल ऑल्सो चेंज. जैसा जैसा सेरिब्रल हेमिस्फीयर चेंज हुआ वैसा वैसा उसकी कैविटी भी चेंज हो रही है. तो कैविटी ऑफ द वेंट्रिकल्स इज बिकमिंग सी शेपेड. सो एंटीरियरली दिस इज नोन एज एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. जो ऑक्सीपिटल लोब में हॉर्न है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. जो टेम्पोरल लोब में हॉर्न है दैट इज नोन एज इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. जब तुम पढ़ोगे तो तीनों हॉर्न समझ में आ जाएंगे. अभी इतना समझ लो कि कैविटी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स इज सी शेपेड. इट इज नॉट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इट इज गोइंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर देन कमिंग डाउनवर्ड्स इन द टेम्पोरल लोब. सो विद डेवलपमेंट these three horns of the lateral ventricle they are developing. और इसी के साथ में एक और term यहाँ पे लिखा हुआ है that is choroid fissure. So can you read choroid fissure? एक ही लिखा हुआ है choroid fissure dotted line. बस इसको देख लोगे लेकिन ये dotted line ना ठीक से नहीं बनी हुई. ये choroid fissure वो है जहां पे choroid plexus lie कर रहा है. ठीक है, क्या है कोरोइड फिशर, इज द प्लेस वेयर द कोरोइड प्लेक्सस इज लाइंग. सो इट इज ऑल्सो सी शेपेड, दिस कोरोइड फिशर इज ऑल्सो सी शेपेड. लेकिन तुम इस, ये मैंने नेट से पिक्चर लिया है, तुम बताओ क्या ये डॉटेड लाइन इन्होंने ठीक से बनाई है, नहीं बनाई, क्योंकि ये कहां होना चाहिए था, फ्लोर में. यहां पे कोरोइड फिशर इधर होना चाहिए था और फिर कहां होना चाहिए था, रूफ ऑफ द टेम्पोरल हॉर्न. तो जब तुम अपना बुक पढ़ोगे यू कैन मेक आउट कि कोरोइड फिशर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स इट इज लाइंग इन द फ्लोर ऑफ द दिस कैविटी एंड इन द रूफ ऑफ द टेम्पोरल हॉर्न.
So this way it is formed. So if I summarize the development of the central nervous system, what is formed first? Agar hum soche ki central nervous system kisse bana hai ek word mein, it is formed from neural tube. Neural tube is derived from neuroectoderm. Then what happened in neural tube? The segmentation. एक मीडियल जोन बना जहां कैविटी बनी, फिर मेंटल लेयर और फिर मार्जिनल लेयर. और क्या हुआ? देर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्जर्स ऑल्सो. ये भी मैं अभी बताऊंगी कि ये घूमा कहाँ है और कहाँ घूमा है, फ्लेक्जर कहाँ बना है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ लेटरल वॉल्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ओरिजिन ऑफ मैट्रिक्स, मेंटल एंड मार्जिनल लेयर. एक बार मुझे बता दो, मार्जिनल लेयर और मेंटल लेयर क्या क्या है? मार्जिनल लेयर फॉर्म्स व्हाट? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर. इट फॉर्म्स व्हाइट मैटर. एंड मेंटल लेयर फॉर्म्स व्हाट? ग्रे मैटर. एंड देन मेंटल लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू बेसल प्लेट एंड एलआर प्लेट. लेकिन ये डिफरेंशिएशन कहां तक हमें मिलता है? ब्रेन स्टेम तक. उसके बाद में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है, लेकिन ऐसा कोई हम मेकआउट, क्योंकि बाकी तुम सेरिब्रम में बताओ ग्रे मैटर कहां है? इट इज ऑन दी कॉर्टेक्स या आउटर सरफेस पे है. एंड दैट इज डिवेलप्ड फ्रॉम दी मेंटल लेयर और मार्जिनल लेयर. जाना है मेंटल लेयर. सो द ग्रे मैटर विल डिवेलप. अगर कहीं भी ग्रे मैटर टर्म आ जाता है, सो दैट डिवेलप्स फ्रॉम दी मेंटल लेयर. देन देयर इज और ओरिजिन ऑफ सल्कस लिमिटेंस, बेसल लमाइना एंड दी एलआर लमाइना. तो जितनी बातें अभी हमने कर ली कि टीलन के फेलॉन बना है, उसमें एक चीज डिस्कस नहीं करी थी, दैट इज दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्जर्स. पूरा सीधा सीधा ट्यूब नहीं है. पूरा सीधा होता तो बिल्कुल ब्रेन के ही लाइन में होता स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के लाइन में नहीं है स्पाइनल कॉर्ड. कैसा है? राइट एंगल्स पे है. सो फर्स्ट फ्लेक्जर विच डिवेलप्स एट द जंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज दी सर्वाइकल फ्लेक्जर. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फ्लेक्जर बनता है, दैट इज एट द प्लेस ऑफ मिड ब्रेन. सो दैट इज मेसेनकेफेलिक फ्लेक्जर. मतलब कहां कहां दो जगह फ्लेक्जर बने हैं? सर्वाइकल फ्लेक्जर एट द जंग. जब बच्चा पैदा होता है, जब वेन और चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसका नेक कैसा होता है? इट इज लाइक उसको पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है. तो नेक कहां है उसका? सामने की तरफ है. और हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या है? देयर इज एंगल. सो दैट एंगल इज बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल फ्लेक्जर. एंड दिस इज डिमिनिश्ड एट द एज ऑफ 3 मंथ्स. जब बच्चा नेक अपना सपोर्ट करने लग जाता है, जब नेक एक्सटेंडेड हो रहा है, वो कब जाके होता है? एट द एज ऑफ 3 मंथ्स. देन सेकेंड फ्लेक्जर इज दी मेसेनकेफेलिक फ्लेक्जर. इन दोनों फ्लेक्जर के बनने की वजह से एक फ्लेक्जर बनता है जो बहुत डीप रह जाता है और डॉर्सल सरफेस पे है. दैट फ्लेक्जर इज पॉन्टाइन फ्लेक्जर. सो देयर आर बेसिकली 3 मेन फ्लेक्जर्स, दी सर्वाइकल फ्लेक्जर, मेसेनकेफेलिक फ्लेक्जर एंड पॉन्टाइन फ्लेक्जर. अब इनका और कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस याद हमें क्या रखना है? पॉन्टाइन फ्लेक्जर. ये पॉन्टाइन फ्लेक्जर बनने की वजह से क्या हुआ है? पॉन्टाइन सिस्टर्न बना है. सिस्टर्न क्या होते हैं? व्हाट आर सिस्टर्न्स? हाँ, कुछ याद आ रहा है तुझे? नहीं. Cisterns are the dilated subarachnoid spaces filled with CSF. मुझे एक बात बताओ, ब्रेन के सल्काय गायराय को कौन सी मेनिंजेस है जो फॉलो करती है? वो सल्काय के अंदर भी चले जाएगी. पाया मैटर. एरेक्नॉइड फॉलो करता है उसको? नहीं करता. तो पॉन्टाइन फ्लेक्जर पे क्या होगा कि एरेक्नॉइड तो सीधा चला जाएगा और पाया मैटर जो है वो अंदर चले जाएगी उस फ्लेक्जर को फिल करने के लिए. तो एक स्पेस बन जाएगा, बड़ा सा सब एरेक्नॉइड स्पेस विच विल बी फिल्ड विथ सीएसएफ. सो दैट सिस्टर्न इज नोन एज पॉन्टाइन सिस्टर्न एंड इट इज द डीपेस्ट सिस्टर्न. बस इतना तुम्हें याद रखना है.
और ये फ्लेक्जर बनते हैं डेवलपमेंट के टाइम में. कोई बुक्स में एक टीलन के फैलिक फ्लेक्जर भी दिया गया है, पर मेन फ्लेक्जर तीन ही याद रखने हैं. इस पिक्चर में चार दिख रहे हैं, मीजन के फैलिक, सर्वाइकल एंड पॉन्टाइन फ्लेक्जर. सम बुक्स ऑल्सो राइट दी टीलन के फैलिक फ्लेक्जर, ये अलग से सेरिब्रल हेमिस्फेयर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है. सो अब यहाँ पे देखो पूरा बनने के बाद में क्या हुआ, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऐसे बन गए. ये सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलस किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का. सो दे आर लाइक दिस, दिस इज दी पॉन्स एंड मेड्यूला सेरिबेलम ऐसे दिख रहे हैं. एंड देन अगेन यू कैन सी यहाँ पे देखो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मीजन के फैलिक फ्लेक्जर देखो ये इधर, एंड देन दिस इज दी पॉन्टाइन फ्लेक्जर. सो थ्री टू आर वेरी डीपर, दी मीजन के फैलिक एंड दी सिफेलिक वन, एंड पॉन्टाइन फ्लेक्जर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दीज टू फ्लेक्जर. देन दीज आर द डिफरेंट क्रेनियल नर्व विच आर अटैच. कैन यू मेक आउट मेंट ऑफ दी नर्व टू द डिफरेंट एरियाज, जैसे मेड्यूला से देखो 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व अटैच दिख रही है इसमें, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई इसी में है. Then you can make out the fifth nerve which is attached to the pons and this is the pontine flexor. Then the other nerves, olfactory bulb, you can make out. So fifth, sixth, seventh, eighth also at the pontomedullary junction you can make out. ऐसे ही develop होती है ये, and that's why they are seen gross in the grossly. ये ऐसा ही है, ये दूर से ये तो आई थिंक अब तुम लोगों को समझ में आ गया है. दीज आर दी लेटरल वेंट्रिकल्स, दिस इज दी थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज ऑफ द क्यास्मा, दी हाइपोथैलेमिक स्टॉक, एंड दिस इज दी पिट्यूटरी, एंड वी हैव सीन हाउ दे आर डेवलप्ड. कोरोइड फिशर हमने डिस्प्ले बात तो कर ली है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर बनता है और उसके बाद इट इज कमिंग डाउन इन दी टेम्पोरल लोब. एंड कोरोइड फिशर इज दी प्लेस वेयर दी कोरोइड प्लेक्सस इज लाइंग. सो इफ आई रीड दिस कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल्स ऑफ हेमिस्फेयर वेयर दे आर अटैच टू द रूफ ऑफ डायनकेफेलॉन दे रिमेन थिन. And through this choroid plexus of the third ventricle protrudes into the lateral ventricle along a line that is called as choroid fissure. मतलब दोनों का continuous है, lateral ventricles का और third ventricle का जो choroid plexus, it is like it is continuous and flow में है lateral ventricle के और roof में है third ventricle के. A fold of pia mater extends into this fissure and it will be covering the telecoroidea. So telecoroidea is a capillary plexus that is covered by the pia mater. You can see this is the sagittal section. In the floor of the lateral ventricle this choroid plexus is lying, and in the roof of the third ventricle the choroid plexus is lying. And gyri are formed because of the differential growth of the cranial cavity and the size of the brain. The size of the brain is larger than the cranial cavity, coming to the congenital anomalies. Ab jitna central nervous system ka development padha, neural tube humne dekha, us pure ke formation mein jo congenital anomaly है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एनेन्केफाली. सो एनेन्केफाली ऐसे अगर देखें तो एनेन इज नो ब्रेन, क्रेनियल एंड पे ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन खत्म हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है. पर वो कहते हैं कि अगर हम एनेन्केफाली टर्म यूज करते हैं और सर्वाइव कर रहा है या थोड़े दिन भी अगर बेबी सर्वाइव कर रहा है, then that a more better term is neuroencephalic. That means कि जो ब्रेन स्टेम है it should be there, क्योंकि ब्रेन स्टेम के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता. Anencephaly is no brain and neuroencephalic is some amount of nervous tissue will be there.
सो ब्रेन एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर दे विल बी एक्सपोज. यहाँ पे क्रेनियम भी फॉर्म नहीं हुआ है एंड यूजुअली इट इज अ स्टिल बर्थ. दैट मीन्स बर्थ के साथ में ही डेथ है तो स्टिल बर्थ है और विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द बर्थ. सो दिस इज एनेन्केफेली, नो ब्रेन विथ नो क्रेनियम. सो अगेन देयर इज अ पिक्चर. अब इस वाले पिक्चर में क्या क्या डिफेक्ट्स दिख रहे हैं तुम लोग देख के बताओ कि एनेन्केफेली के साथ में और क्या क्या है. There is no cranium also. So a crania is also there. Miro and encephaly कुछ amount of brain हो सकता है. Plus यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, spinal cord में जो हमने conditions पढ़ी थी, meningocele, meningomyelocele, so that kind of spina bifida भी है यहाँ पे. So that is why a dimple is seen. So this is the spina bifida condition. So, Miro and Encephaly, A crania, enlarged foramen magnum is also there. Then, other condition associated with the central nervous system is the mental retardation. Mental retardation भी हो सकता है. किसी भी बच्चे के mentally retarded होने के causes में से सबसे ऊपर जो cause लिखा हुआ है, that is the maternal alcohol intake. So, this is the most important reason. Other reasons can be the maternal infections, Down syndrome, mutations, birth injuries, meningitis, lead poisoning, radiation exposure during pregnancy, creatinism, disorders of protein, carbohydrate and fat metabolism. But of course ki mental retardation can occur because of the maternal alcohol इनटेक. और एक यहाँ पे एक और कंडीशन जो मेंटल रिटार्डेशन तो फंक्शनली पता लगेगा, जो दिख रहा है पिक्चर में वो क्या है, माइक्रोकेफाली. दैट मीन्स स्मॉल हेड. सो माइक्रोकेफाली एंड मेंटल रिटार्डेशन आर रिलेटेड टू द मेटर्नल एल्कोहल इनटेक एंड डाउन सिंड्रोम, मेनिनजाइटिस एंड दीज कैन बी दी अदर कॉजेज फॉर. नाउ वॉट इज देयर इन दिस पिक्चर, दी होलो प्रोजेन केफाली. जो प्रोजेन केफेलॉन से दो वसाइकल्स बनने थे, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनने थे, वो नहीं बने एंड दे आर फ्यूज इन टू वन. सो दिस कंडीशन इज दी होलो प्रोजेन केफाली. सो नॉर्मली इज दिस वन, टू वसाइकल्स एंड अ थर्ड वेंट्रिकल. यहाँ पे देखो सब कुछ फ्यूज्ड है. सो फेलियर ऑफ डिविजन ऑफ द प्रोजेन केफेलॉन, द फ्यूजन ऑफ टू लेटरल वेंट्रिकल्स, ओवरलाइंग फेशियल एनोमलीज आर ऑल्सो देयर, लैक ऑफ टिश्यू इन द फ्रॉन्टोनेजल एमिनेंस. यहाँ फ्रॉन्टोनेजल एमिनेंस में भी नहीं है. हाइपोटेलरिज्म, हाइपोटेलरिज्म इज डिक्रीज इन द गैप बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स. तो सारे स्ट्रक्चर्स मतलब आईज आर क्लोजर टू नोज, नोज इज क्लोजर टू माउथ. सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो सीन इन दी होलो प्रोजेन केफाली अलॉन्ग विद द होलो होलो एंड अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन. देन अनदर कंडीशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इज हाइड्रोकेफेलस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोकेफेलस? क्या बड़ा हो गया इसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट? वेंट्रिकल्स, एनलार्ज वेंट्रिकल्स. सो हाइड्रोकेफेलस इज एनलार्ज वेंट्रिकल्स. इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप और इट कैन बी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप. जब तुम्हें वेंट्रिकल्स पढ़ाएंगे वो लोग भी बताएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे होगा. मान लो सेरिब्रल एक्विडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो कंस्ट्रिक्टेड हो गया, तो कौन से वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाएंगे? Lateral ventricle and the third ventricle. Fourth ventricle will not be enlarged. So that will be obstructive kind of hydrocephalus. It can be non-obstructive, production hi bahut zyada hai. So that can be non-obstructive type of. So severe hydrocephalus will lead to enlargement of the head also. So hydrocephalus, this is severe hydrocephalus. लुक एट दी वेंट्रिकल्स, इतना वेंट्रिकल था कि उसने बोन का शेप ही डिस्टॉर्ट कर दिया. वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो एनलार्ज्ड इन ओल्ड एज ऑल्सो, वहां पे भी बड़े हो जाते हैं. क्यों, कोई बता सकता है रीजन? फंक्शनली ही बड़े हो जाते हैं, बताओ. न्यूरल टिश्यू
डिस्ट्रक्ट होने लगता है। तो अगर अगर जो ग्रे मैटर उसको सराउंड कर रहा है वो डिस्ट्रक्ट होगा तो भी तो कैविटी बड़ी हो जाएगी। सो दैट इज लाइक जब कैडेवर्स में देखते हैं तो कई बार बहुत बड़े बड़े वेंट्रिकल्स दिखते हैं जो वैसे नहीं होते। सो इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरल टिश्यू। हाइड्रेन किफाली इज अगेन वेरी एनलार्ज, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर एब्सेंट, तो बाकी भी पूरे सिर्फ वेंट्रिकल्स ही बचे हैं, हेमिस्फेयर्स है ही नहीं। देन हाइड्रोकेफालस में इसमें एक साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दिखाया है, स्टीनोसिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट हेयर इट इज शोन। देन वन सिंड्रोम इज आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम। ये आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम या आर्नोल्ड शीरी CHIRI ऐसे भी कहीं लिखा हुआ था, आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम इज की हर्निएशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ब्रेन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो बिल्कुल फोरमेन मैग्नम से अगर कोई ब्रेन का पार्ट नीचे हर्निएट कर जाए तो क्या हर्निएट कर सकता है, क्या पास में है फोरमेन मैग्नम के? मेड्यूला और सेरिबेलम। सेरिबेलम ऐसे लैटरली लाए कर टॉन्सिल्स ऑफ द सेरिबेलम और अ पोर्शन ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इट कैन हर्निएट टू द स्पाइनल कॉर्ड। माइट कॉज एनी सिम्टम और इट माइट नॉट कॉज एनी सिम्टम। बड़ा एनलार्जमेंट है, किसी को प्रॉब्लम, किसी पे प्रेशर डाल रहा है तो इट कैन लीड टू, और इट माइट कंस्ट्रिक्ट दी सेंट्रल कैनाल ऑल्सो। बड़ा है तो इट विल कॉज सिम्टम्स, अगर छोटा है तो इट विल नॉट कॉज एनी सिम्टम। सो टॉन्सिल्स एंड दी ब्रेन स्टम सेम दे कैन हर्निएट थ्रू दी फोरमेन मैग्नम एंड दे कैन कॉज दिस आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम। ये किसी ने सेमिनार बनाया है तो ये लास्ट स्लाइड उसका है। थैंक यू।